आपका स्वागत है। आज हमारा व्रत है, सोमवार का व्रत के लिए हम पटेटो टिक्की बना के आपको दिखाएंगे व्रत वाली। तो इसके लिए हमने थोड़े पहले चटनी पीस लेते हैं। चटनी के लिए हमने क्या क्या लिया है आपको दिखाते हैं। थोड़ा हमने मूंगफली का दाना लिया है, एक उसको डाल देते हैं। थोड़ा सा धनिया उसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा बच्चे चटपटा खाते इसलिए हमने सात आठ हरी मिर्ची डाली है इसके अंदर, और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसमें इतना आधा कटोरी दही डाल देते हैं। अब इस चटनी को हम पीस लेते हैं। और ये देखो कितनी सुंदर चटनी मिलकर तैयार हो चुकी है। हमने चटनी को बना लिया है और ये बर्तन चटनी खा सकते हैं आराम। अब आगे हम तुम्हें बाकी की सिखाते हैं, तैयारी करते हैं। हमने थोड़ा सा आलू लिया है, चार पांच आलू को। अब इसमें से हम थोड़ा सा आलू, इतना आलू को निकाल लेते हैं इसके अंदर से इधर, और बाकी जो आलू को हम बारीक बारीक करके ऐसे दबा दबा कर सही कर लेते हैं। इनको तैयार कर लिया है हमने, बिल्कुल बारीकी तरीके से कर लिया है। अब हमने थोड़ा सा आलू और हरा धनिया हरी मिर्ची निकाली। हम लाल मिर्ची बर्तन में नहीं खाते हैं इसलिए हम इसको मिलाकर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें नमक मिलाकर इसको तैयार करेंगे। इसको अंदर भरने के लिए अंदर टिक्की अंदर भरेंगे तब अच्छा लगेगा। लाल मिर्ची हम नहीं डालेंगे और बाकी की हम कोई ऐसा नहीं डालेंगे जो बर्तन में ना खा सकें, और ये बर्तन में खाया जाएगा अच्छी तरह से। ये हमने तैयार कर लिया इसके अंदर भरने के लिए मसाला। अब बाकी का हमारे पास बचा है, अब इसके अंदर जो आलू बचे हमारे पास इसमें हम थोड़ा सा अरारोट डालेंगे और अरारोट डाल के आपको दिखाएंगे। अरारोट बर्तन में खा सकते हैं, ये सिंगाड़े के आटे का होता है इसलिए इसे खा सकते हैं। अब इसको हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से इसके अंदर, और हमारा पटेटो टिक्की बनके तैयार हो जाएगा। व्रत में बच्चे शौक से खा सकते हैं, ऐसे आलू बच्चे खाते नहीं हैं व्रत में। वो आपको रेसिपी अच्छी लगे हमें कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, और आप ऐसी रेसिपी बना के बच्चों को जरूर खिलाना। आपका ये दो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके इतनी बड़ी लेंगे हाथ में और इसके अंदर ये जो हमने मसाले का आलू करा है इसको इसके अंदर भरेंगे। इसके अंदर भर के फिर इसको ऐसे करके बंद कर देंगे और हमारा पटेटो टिक्की बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे कर करके इनको रख लेंगे हम, थोड़ा तेल का हाथ लगा के बनाएंगे तो ये टिक्की आराम से बन जाएगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको भरेंगे, अंदर भरेंगे तो अच्छा लगेगा इसको, नहीं तो खाली पटेटो दिखाई देंगे, अंदर जो मसाला है ये नहीं दिखाई देगा। इसको भरना ज़रूरी है। और नॉर्मल टिक्की खाते हैं जो बाज़ार में मिलती है उसमें हमने बनाई हुई हैं हमारी टिक्कियों को, आप देख सकते हैं आगे हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हमने बनाकर दिखाई है चटनी टिक्की सब कुछ बनाकर दिखाया हुआ है। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना। पटेटो टिक्की बनकर तैयार हो चुके हैं, अब गैसी तरफ चलते हैं, इनको सेकते हैं, पर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे हल्का सा। और डालने के बाद हम इस पर एक अपनी टिक्की छोड़ेंगे, आराम से सिकेगी और इसको मध्य आटे सिकने देंगे, थोड़ा सा इसमें कलर बदलेगा, फिर उसको आपको दिखाएंगे ये टिक्की बनके कैसे तैयार होती है। टिक्की को हम पलटा मारते हैं और पलटा मारते हुए तरफ सीखेंगे तो कितनी सुंदर बनकर तैयार होगी, और इसको अच्छी तरह सीखने देंगे। थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे इसके अंदर, ये सिक जाएगी। हमारी ये टिक्की सिक जाती है, थोड़ा सा और सिक जाएगी तो इसको हम दबा दबा के सेक के आपको दिखाएंगे। अभी ये सिकी नहीं है, थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। ये बाजार में टिक्कियाँ बनती हैं वैसे ही टिक्की बनती है, तैयार होगी। और इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देते हैं, दबाने से ये अच्छा तक अंदर तक सिक जाएगी। कि हमारी करारी सिक चुकी है, देखो अच्छी सुंदर सिक चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से आपको बाकी टिक्कियों को सेक के दिखाएंगे। टिक्की हमारी करारी बनकर तैयार हो चुकी है, कम तेल मसाले की, और आप देखिए हमने ये सेक लिया है। अब इसमें क्या क्या डालेंगे, हमारा व्रत है इसलिए कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं डालेंगे,
जो हमारे बर्फ को ख़राब करे। लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, हम लाल मिर्ची नहीं खाते हैं। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हल्का हल्का ऊपर से, और चाट मसाला नहीं डालेंगे। बर्फ हम चाट मसाला नहीं खाते इसलिए नहीं डालेंगे चाट मसाले को, इसको ही डाल दिया है। और फिर हम इसमें हरी चटनी जो बनाई है हमने इसको डालेंगे ऊपर से। और हम इसमें थोड़ी थोड़ी काली मिर्चें डालेंगे, हमने कूट कर काली मिर्च को रख लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसका चटपटापन आ जाएगा और स्वाद अलग बढ़ जाएगा इनका। और इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे, दही को हमने फेंट दिया है, इसको इसमें डालेंगे। अब ऊपर से हम ये टमाटर सौंप डालेंगे, तो इसको खा सकते हैं व्रत में, इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, इसको इसमें डालेंगे। और आप देखो हमने पहले तो खिचड़ी बना के तैयार करे हैं व्रत के लिए, और खिचड़ी सुंदर बनकर तैयार हुई है। और आप व्रत में अच्छे तरह खा सकते हैं, बना सकते हो, आप खा तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो चुप ला सकते हैं।